फैमिली जिया जो है अभी दिख रही है आराम करते हुए, वरना इधर उधर घूमते रहती है। कभी चैन से बैठती है इन्हीं, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। नौवां महीना चल रहा है फिर भी जिया को कोई चैन नहीं। और जो बहुत लोग ऐसी वजह से कमेंट भी आता है कि जिया को आप लोग आराम करने क्यों नहीं दे रहे, इससे भी जिया को रेस्ट करना चाहिए। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी नाश्ता बनाना है सबके लिए, तो माँ बोली पोहा बनाने के लिए, तो चलते हैं बनाते हैं और आपको भी बताते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। तो हमने यहाँ धनिया, प्याज और नींबू और मिर्ची काट लिया। अब इसमें डालेंगे ये चूरा। तो हमने ये ले लिया चूरा, हम लोग तो चूरा बोलते हैं, अगर आप लोग पोहा बोलते हैं तो पोहा। अगर आपके पास मोटे वाले हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हमारे पास यही था, तो हम यही यूज़ करेंगे, इसी का बनाएंगे। इसको भिंगा लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा ही पानी यूज़ करना है, बस भींग जाए। तो आप देख सकते हैं हमने ये पोहा को भिंगा के रख दिया है, ज़्यादा नहीं भिंगाना है, थोड़ा नहीं तो आपका पोहा पूरा सॉफ्ट हो जाए। अब हम गैस को करेंगे ऑन और इस मूंगफली को करना है फ्राई। तो हमारा कढ़ाई हो चुका है गरम, अब इस मूंगफली को फ्राई करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मूंगफली फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच यूज़ करना है, बस इतना ही काफ़ी है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जीरा और ये राई और मिर्च। तो ये हमारा थोड़ा सा पक गया है। अगर आपके पास करी पत्ते हैं तो आप करी पत्ते डाल सकते हैं, हमारे पास करी पत्ते नहीं है तो हम डाल देंगे ये प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। अगर आपको चीनी डालना पसंद है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चीनी एकदम मतलब हाफ चम्मच, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम ये डालेंगे मूंगफली जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। मूंगफली के बाद हम ये पोहा डालेंगे जिसको हम लोग चूरा कहते हैं, जो हमने धो के पहले से रखा हुआ है भिगो के। अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ढक के 1 मिनट छोड़ देंगे एकदम धीमी आंच पे। 1 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे हम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। हमने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता हम डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास सेवई या आलू का भुंजिया कुछ भी है तो आप डाल सकते हैं, हमारे पास मिक्सचर है तो हम मिक्सचर डाल देंगे, इससे थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाएगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो रिव्यू लेंगे पतिदेव से, जब वो खाएंगे तो बताएंगे कैसा बना है। फाइनली हमारा बन के तैयार हो गया है, सबसे पहले आप डैडी को दे के आते हैं फिर सबको देंगे। ये देख सकते हैं हमारा बन के तैयार हो गया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा लगेगा वो खाने वाले बताएंगे। तो हम डैडी को तो दे दिए, अब पतिदेव को दे देते हैं। तो ये रहा नाश्ता आपका आज का शाम का। वाह, तो अलग नाश्ता मिल रहा है, मजेदार है। अच्छा, सॉस होगा, टोमेटो सॉस शायद नहीं होगा। नहीं है, कोई नहीं, वैसे ही खा लेता। क्या कहते हैं, डैडी का डिमांड था बनाने का। तो मेरे पास तो उतना कुछ कुछ चीज था जो कि नहीं था, लेकिन फिर सही वैसे नींबू का रहा, अच्छा स्वाद इसमें। तो जो जो हमारे पास था उसी चीजों से बनाए हैं, जैसे कि पोहा में मोटा वाला पोहा यूज किया जाता है, हम लोग तो चूड़ा बोलते हैं, बहुत लोग पोहा बोलते हैं। तो हमारे पास जो था वही यूज किया, पतला वाला खतरनाक चूड़ा है। अच्छा लगा, सही है। आपको नाश्ता तो दे दिए, अब हमको बनाना है चाय। चाय बनाते हैं जल्दी से और सबको देते हैं। चाय बनाने से पहले कुछ बर्तन है, बर्तन को धो लेते हैं क्योंकि आजकल हमारी मामी तो आ नहीं रही है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं, पहले बर्तन धो लेते हैं फिर चाय बनाएंगे।
या तो उधर गई हुई है जी चाय देने। अभी गई जी। अच्छा जी अभी गई चाय दे करके। वाह बढ़िया है। तो जी अपना आ गई है तो हमेशा करते हैं जी अपने काम पर जाते हैं। भी बज रहे हैं 7 तो 2 घंटा समय है इससे पहले कि खाना बन जाए, क्योंकि जैसे ही खाना खा लेते हैं उसके बाद हमसे काम नहीं होता। सीधा नींद आती है तो नींद को काटने के लिए थोड़ा बहुत टहल लेते हैं, लेकिन काम तो हो ही नहीं सकता खाना खाने के बाद। सीधा चलते हैं काम पर। सुबह सुबह आ गए छत पे और यहाँ पे दीदी पानी डाल रहे हैं अपने पौधों में। हाँ जी बिल्कुल जी। और आपने टाइम लैप्स देखा क्या? हमने टाइम लैप्स के लिए लगाया हुआ था। अभी कैसा लगा टाइम लैप्स? आप लोग कमेंट करके बताइए। सूर्योदय वाला, सनराइज वाला। तुम जो है हिंदी बोलो, हम अंग्रेजी बोलते हैं थोड़ा। यहाँ पे भी कर दीजिए। हम लोग खरीद के लाए थे ना डैडी, इसको एकदम कलरफुल बना दिए और साइड में जो ये टाइल्स सब का वो लगवा दिए और शानदार लगता है। पूरा पानी हमारा डल चुका है, उसको समेट के रख दो। फाइनली जी हमारा वॉक तो हो गया। अब इसके बाद जो है आज कुछ कुछ काम है घर का, जो सारा काम पेंडिंग है और लग रहा है कि बहुत दिनों से करवाना चाह रहे हैं। पर में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, वो आज करवाएंगे। और अपना बाइक का सर्विसिंग भी करवाना है जो कि बहुत दिन हो गया है, तो उसको भी करवाना है। साथ में ऐसे ही 3-4 काम है छोटे छोटे। जिया के लिए जो है थोड़ा सा चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा है। अब इसका भी पैर लगता है थोड़ा सा खुलने वाला है, तो सूजन आने वाला है इस पैर में। अभी तक तो बस मालिश की वजह से बचा हुआ है, देखते हैं बच पाता है कि नहीं अंतिम समय तक। 6 बजे ही ऐसी धूप है जी, देख सकते हैं। और क्या हाल होने वाला है पूरा दिन भर में। यहाँ पर एक लाइन से सारे कौवे सब मौजूद है। पानी पी रहे वहाँ पर। अच्छा तो ऊपर से नीचे आ गए, अब हम कपड़ा धोने में लगा दिए हैं सारा। हमारी मामी भी आ चुकी है बहुत दिनों बाद। जिया का हो गया जी कपड़ा धुला हुआ, तो जाते हैं बाल्टी को लेकर के छत पर दियाते हैं, फिर वहाँ पर अपना कपड़ा आराम से फैला लेगी। अब सीधा बैठते हैं जी काम पर। काम पर बैठने से पहले यह जो टेबल पूरा मेस बना हुआ है इसको पूरा ठीक कर लिया जाए, ताकि प्रॉपर एकदम लगे कि यहाँ सही है, तब काम करने में भी मजा आता है। फाइनली जी सारी सफाई हो गई है, अब लगते हैं काम पर। और काम पर लगने से पहले थोड़ा सा ताकत ले लेते हैं। यह है सत्तू, सत्तू पी लेते हैं, मन जो है एकदम लगता है बुलंद हो जाता है, क्या लगता है शरीर में ताकत है और अच्छा खासा देर तक टिक जाता है। तो कपड़ा भी हमारा धुल गया, फैला दिए हम छत पे जा करके। और उसके बाद आज सबसे पहले काम करेंगे हम, नहाएंगे और पूजा करेंगे। तो अभी चलते हैं पूजा का बर्तन धो लेते हैं, फिर स्नान करके पूजा करेंगे। फाइनली जिया जो है अभी दिख रही है आराम करते हुए, वरना इधर उधर घूमते रहती है, कभी चैन से बैठती है इन्हीं कुछ ना कुछ काम करती रहती है। 9वां महीना चल रहा है फिर भी जिया को कोई चैन नहीं। और जो बहुत लोग इस वजह से कमेंट भी आता है कि जिया को आप लोग आराम करने क्यों नहीं दे रहे, इस समय जिया को रेस्ट करना चाहिए। तो हम आराम से ही रहते हैं, हमको कोई कुछ नहीं कहता है करने के लिए, हमको जो मन होता है हम खुद कर लेते हैं। और अगर मेरा तबीयत सही नहीं रहता है तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब कुछ कुछ करते रहते हैं ना तो मन भटकते रहता है। और वैसे आराम से आप पड़े रहिएगा तो वही लगेगा सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, दर्द से ध्यान हट जाता है काम करते करते। हाँ, तो कुछ ना कुछ करते रहिएगा तो हमेशा मन लगेगा कि बिजी रहेगा तो उतना ध्यान नहीं जाता। उसी भी जिया कोई हैवी काम नहीं कर रही है जी, जैसे सब्जी काटना हो गया, आटा मिलाना हो गया, कुछ नहीं करते हम। हमको जो मन होता है नाश्ता उस्ता बना के देना सबको, तो वो सब कर लेते हैं बस, और उतना ज्यादा वो भी कभी कभी। हाँ, तो उम्मीद करते हैं जी जिनका भी यह सवाल था उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम लोग भी चाहते हैं जिया रेस्ट करे, काम नहीं करे, लेकिन जिया कहती है कि मुझसे रहा नहीं जाता, कुछ ना कुछ जो है काम देती रही है, मेरा दिमाग जो है इधर उधर थोड़ा भटकते रहता है, वरना हमेशा ध्यान रहेगा पेन पर और इन सब चीजों पर। जिया को जो है हम स्पेशली टीवी खोल करके जा करके रामायण महाभारत कुछ ना कुछ अच्छा प्रवचन सब जो होता है लगा देते हैं कि तुम बस चुपचाप बैठे रहो, कुछ देर सुनेगी फिर उठ करके आ जाएगी यहाँ पर। हम समझ जाते हैं कि इसको मन लग नहीं रहा है, पहले तो हम देख लेते थे आराम से बैठ के, लेकिन अब जो है नहीं देखा जाता है, मन करता है बेड पे जाते ही हमको लगेगा मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरा कमर दर्द कर रहा है, इस वजह से हम बंद कर देते हैं, आराम से इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसी कुछ हालत है जी। तो उम्मीद करते हैं जी जिया का ऐसे ही हंसते खेलते टहलते कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हाथ बटाते हुए समय निकल जाए, आखिरी महीना है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन, लोग जो होते हैं वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब करते ही नहीं है, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिल्कुल ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी हमारे व्यू रहते हैं 60-70% नॉन सब्सक्राइबर से रहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है, तो आप लोग प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।